हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 31 मार्च 2022 के करंट अफेयर, जो कि मार्च महीने का आखिरी करंट अफेयर है। तो आते आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में खबरों में रहा ले कॉर्बूसियर एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पटना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। यहाँ पे आग लगी हुई थी तो न्यूज में था। नेक्स्ट आते हैं, जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी है 2018, ऑप्शन सी है 2019, ऑप्शन डी है 2021। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2021 में। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया और नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? तो हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति अभियान शुरू किया और उसी साल जल जीवन मिशन भी शुरू किया गया। तो जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 2019 में। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था ताकि नागरिकों से पानी के संरक्षण का आग्रह किया जा सके। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान कब शुरू हुआ था? 22 मार्च 2021 में, और जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था। और दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? तो हमारे देश के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। कुंभलगढ़ जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों की सीमा पर एक किला है। यह चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार है। कौन सी? कुंभलगढ़। कहाँ पे है? राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों की सीमा पर एक किला है। नेक्स्ट आते हैं, उस पोर्टल का नाम क्या है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीबीटी भारत पोर्टल, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर भारत पोर्टल, ऑप्शन सी है पीएम डीबीटी पोर्टल, ऑप्शन डी है नानावती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डीबीटी भारत पोर्टल। उस पोर्टल का क्या नाम है जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल है? तो आपका आंसर क्या होगा? डीबीटी भारत पोर्टल। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा डीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट आते हैं, भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवनी लेखड़ा, ऑप्शन बी है देवेंद्र झाझड़िया, ऑप्शन सी है निषाद कुमार, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, देवेंद्र झाझड़िया। नेक्स्ट आते हैं, 2025 तक नए हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी है 275, ऑप्शन सी है 220, ऑप्शन डी है 152। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 220। नेक्स्ट आते हैं, साझी कला जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में प्रचलित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूपी। सांझी कला यूपी में प्रचलित है। नेक्स्ट आते हैं, बाली घोषणा, बाली डिक्लेरेशन जिसका अनावरण किया गया था, इसका उद्देश्य किस उत्पाद के अवैध व्यापार को रोकना है?
आपके पास ऑप्शन है मरकरी, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी मानव अंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मरकरी। इसे कैसे डिनोट करते हैं? एच जी से, और गोल्ड को ए यू से। नेक्स्ट आते हैं भारतीय विमान पतनन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की? आपके पास ऑप्शन है डीआरडीओ, ऑप्शन बी है रिलायंस, ऑप्शन सी है बेल, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए बेल के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है जिसका संचालन किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इंडियन नेवी, ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन नेवी। नेक्स्ट आते हैं प्रवासियों और प्रत्यावर्तियों की राहत और पुनर्वास, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपैट्रिएट्स की अम्ब्रेला योजना के तहत कितनी उप योजनाएँ हैं? आपके पास ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी है 9। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7। नेक्स्ट आते हैं गेहूं के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपके पास ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी दसवा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला पोजीशन किसका है। नेक्स्ट आते हैं शहरी खेती के लिए अभियान कैंपेन फॉर अर्बन फार्मिंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम किस मंत्रालय या एजेंसी का इन हाउस सॉफ्टवेयर है? आपके पास ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रेल मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आपके पास ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट आते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा भारतीय राज्य तीसरे स्थान पर था? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अच्छा पहले पोजीशन पे कौन था? तो पहले पे गोवा था, दूसरे पे सिक्किम था और तीसरे पे नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं 2022 सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश है? आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट आते हैं पेसर पहल PACER जो हाल ही में खबरों में रही किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए एक नई परियोजना किन राज्यों में शुरू की गई है? आपके पास ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो ये तो था हमारा 31 मार्च का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।